तो आई गेस आज के वीडियो में बात कर लेना कैसे आप अपने आईसीआईसी बैंक के अकाउंट का जो है होम ब्रांच ट्रांसफर कर सकते हो। कई बार केस में क्या होता है कि हम अपना अकाउंट ओपन कर लेते हैं, बाद में हम उस सिटी को या उस स्टेट को यहाँ पे छोड़ देते हैं, अदर स्टेट में शिफ्ट हो जाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि अगर कुछ भी काम होता है तो हमें अपने होम ब्रांच में जाना पड़ता है। तो आज की वीडियो में बात करें कैसे आप घर बैठे ही अपने आईसीआईसी बैंक का होम ब्रांच ट्रांसफर कर सकते हैं, साथ ही साथ आपको लाइव करके भी दिखाने वाले। तो वीडियो के अंत जरूर देखिएगा ताकि कोई भी पार्ट मिस ना करें। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आ जाना है सर्विस रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे, तो सर्विस रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना है। इसके लिए आपको अपने आईसीआईसी बैंक का जो नेट बैंकिंग है लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पैनल खुल जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे आपको सामने बहुत सारा ऑप्शन आता है, जहाँ पे बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, डिपॉजिट, लोन अकाउंट, डीमैट अकाउंट, लिंक या अदर पॉलिसी करके यहाँ पे बहुत सारे अकाउंट आपको देखने को मिल जाते हैं। तो सिंपल सर, सबसे पहले नंबर पर आपको एड्रेस चेंज, सेकंड नंबर पर आ जाता है ट्रांसफर योर अकाउंट फॉर नियरेस्ट ब्रांच, मतलब जो आपका अकाउंट है उसको ट्रांसफर कर सकते हैं आप अपने नियरेस्ट ब्रांच में, किसी अदर स्टेट में या किसी अदर ब्रांच में है तो। तो उसके बाद यहाँ पे आपका अपने अकाउंट के डिटेल्स दिखाया जाता है, साथ ही साथ बताया जाता है ट्रांसफर योर अकाउंट टू नियरेस्ट ब्रांच एंड चेंज योर होम ब्रांच। तो उसके बाद आपको यहाँ पे नो का और यस का ऑप्शन मिलता है, अगर यहाँ पे यस कर देंगे तो यही रह जाएगा, आपको नो पे क्लिक करना है। तो सिंपल से जैसे आप नो पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा लोडिंग लेने के बाद यहाँ पे आपके सामने एक न्यू पॉपअप ओपन होगा, जहाँ पे आपके अपने लेटेस्ट जो अपने सिटी है वहाँ पे पूछा जाए। जैसे देख सकते हो मैंने यहाँ पे उत्तर प्रदेश में रहने दिया है, अगर आप चाहो तो इसको भी चेंज कर सकते हो। एंड उसके बाद यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना कि आप किस डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर करना चाहते हो। जैसे आपने देखा होगा कि मेरा ओल्ड जो था जौनपुर में था, तो सिंपल से मैं यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करता हूँ, न्यू डिस्ट्रिक्ट जो कि मुझे यहाँ पे वाराणसी सेलेक्ट करना है, तो मैं वाराणसी सेलेक्ट करता हूँ। क्योंकि अगर आप कोई दूसरा सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हर जगह के अलग अलग ब्रांच होते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है किसी डिस्ट्रिक्ट में आपको एक ही ब्रांच देखने को मिल जाता है। तो जैसे देख सकते हो मैंने जौनपुर सेलेक्ट किया तो यहाँ पे एक ही ब्रांच है, एंड अगर मैं कुछ और ब्रांच सेलेक्ट करता हूँ जैसे हापुर किया तो वहाँ पे भी हापुर में सिर्फ एक ही ब्रांच है। अगर मैं यही वाराणसी सेलेक्ट कर लेता हूँ तो आप देख सकते हो वाराणसी में बहुत सारे इनके ब्रांच पड़े हुए हैं। तो इसमें से आपको कोई सा एक भी अपने जो भी ब्रांच सेलेक्ट करना चाहते हो उसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे सेलेक्ट कर लेंगे तो बाकी सब डिटेल्स आपका सेम रहेगा, नीचे ही आपको ऑप्शन मिल जाता है थोड़ा सा टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने का, एंड टर्म एंड कंडीशन जैसे ही एक्सेप्ट करते हो तो ऊपर ही देखेंगे आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखाया जाता है, प्लीज डू नॉट इनिशिएट एनी फाइनेंशियल ट्रांसफर दिस अकाउंट टिल योर रिक्वेस्ट हैज बीन क्लोज, अदरवाइज योर ट्रांसफर रिक्वेस्ट हैज बीन कैंसिल। मतलब अगर आपने इसको अगर ट्रांसफर रिक्वेस्ट एक बार दे दिया है तो कोई फाइनेंशियल ट्रांसफर मत कीजिएगा, अदरवाइज आपका जो रिक्वेस्ट है कैंसिल कर दिया जाएगा। तो सिंपल से आपको यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेना है, एंड उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करते हो थोड़ा सा लोडिंग लेने के बाद आपके यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, सिंपल से यहाँ पे ओटीपी आपको डाल के सबमिट कर देना है। जैसे ही आप ओटीपी डाल के सबमिट करते हो आपका जो होम ब्रांच है यहाँ पे विद इन 24 आवर्स के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, एंड आपका जो नियरेस्ट ब्रांच रहेगा वही आपका होम ब्रांच, आपके जो भी आपने सेलेक्ट कर रखा होगा वो आपका होम ब्रांच हो जाएगा। तो गाइस आई होप अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।